सो हेलो गाइस, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का साइंस और जीके के एक और नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में। तो ये हमारा सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 13 है और आज के इस क्लास में एक बार फिर से कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो हमारा क्लास है ये आपका टेस्ट लेने वाला है। कैसे, यहाँ पे देखो 15 क्वेश्चन दिए हैं, 15 साइंस और 15 जीके के, टोटल 30 क्वेश्चन है। इसमें अगर 30 में से आप 25 प्लस कर लेते हो तो ये समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर जा रही है। ऐसी ही तैयारी आपको जारी रखनी है अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक का। अब देखो इस क्लास में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। खुशखबरी है कि जो पीडीएफ बनी है 3.0 वाली जो बुक है हमारी जो नई बनी है, जितने भी लोगों ने लिया है, याद करो मैंने आपको बताया था कि इसका मैं सॉल्यूशन वीडियो करवाऊंगा मैथ और रीजनिंग का। तो फाइनली कल से मैथ और रीजनिंग का 3.0 महापीडीएफ 3.0 के जो है सॉल्यूशन वीडियो आने वाले हैं। सुबह 9 बजे मैथ वाली क्लास आएगी, सभी को पहले बता दे रहा हूँ। सुबह 9 बजे मैथ का जो क्लास आएगा आपका प्रैक्टिस क्लास, जो 3.0 के जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसमें प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो कल से रेगुलर क्लासेस देखिए और प्रैक्टिस करिए कितना आपने सही किया था और क्या करवाया जा रहा है, ठीक है, कैसे आपने किया था। तो चलो वो चीज मैं आगे बताऊंगा। महापीडीएफ 3.0 जिन लोगों ने नहीं लिया सबको कह रहा हूं ले लीजिए, अभी बताऊंगा कैसे लेना है। दूसरी चीज, इस क्लास को जितना लाइक और शेयर कर सकते हो शेयर करिए, क्योंकि व्यूज कम आ रहे हैं क्लास बंद करनी पड़ जाएगी। और अगर व्यूज अच्छे आएंगे ताकि सबको बता दो कि देखो प्रैक्टिस क्लासेस शुरू हो चुकी है, टांडो एकदम शुरू है, 15-20 दिन में आपका एग्जाम है, ठीक है। तो फटाफट क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग और शुरुआत करते हैं अपने जो है इस बेहतरीन क्लास का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ महापीडीएफ 3.0, भाई साहब सिर्फ एक बुक है ये जो आपको सेक्शन 1 पूरा क्लियर करा के देगी। इसमें आपके सेक्शन 1 के 5 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। चाहे आप डीवी की तैयारी करो या जीडी की तैयारी कर रहे हो, आपको ये बुक पढ़नी ही है, ठीक है, सबको पढ़नी है। देखो ये कोस्ट गार्ड के भी द्वारा अप्रूव की गई ये बुक है। बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स इसमें हर आपके जो है सब्जेक्ट के अवेलेबल है। प्राइस मात्र 200 रुपए है, लेकिन आपको अभी आपको 200 रुपए भी नहीं देने हैं, आपका एग्जाम नजदीक है, इसीलिए आपको ये मात्र 100 रुपए में ये बुक दी जा रही है। कैसे लेना है आपको, भाई साहब नहीं लिए हो तो 9795111812 पे व्हाट्सएप कर लो बस कि मुझे 3.0 चाहिए। मेरी खुद की बनाई गई ये बुक है, बेहतरीन पब्लिकेशन की बुक के पीछे मत भागो भाई साहब, वो पढ़ के आपको 10 नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, महापीडीएफ 3.0 लीजिए, पढ़िए, आपको खुद पता चलेगा कि इस बुक का कंटेंट कैसा है, किस लेवल का है, ठीक है। सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये अकेला एक बुक परीक्षा का रामबाण है। और जैसा मैंने बताया कल से, ठीक है, इसके मैथ और रीजनिंग के जो है सॉल्यूशंस वीडियो आने वाले हैं, जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो लेकर के आप खुद लगाइए। आंसर की इसमें अवेलेबल है, आप खुद लगा के देखिए और कल फिर जो है अपने आपको टेस्ट करिए जो सॉल्यूशन वीडियो क्लास आएगी उसके अंदर, ठीक है। इसमें बाकी देखो आपका इंग्लिश भी है, साइंस के 1100+ क्वेश्चन जो है नए, बिल्कुल करंट अफेयर्स के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस और नोट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकर के जरूर पढ़िए इस किताब को, सेक्शन 1 अकेले आपको क्लियर करा के देगी 45+ मार्क्स, ठीक है, अकेले ये सिर्फ एक पीडीएफ आपको निकाल के देगी 45 से 50 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कल के क्लास का ये क्वेश्चन है, हमारे जो मॉक टेस्ट क्लास नंबर 12 चल रहा था उसका ये क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं और आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पिछली बार ये आया हुआ था। तो ये जो इंडिया और चाइना के बीच ये जो पंचशील समझौता हुआ तिब्बत को लेकर के, ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था, 1954, डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ने द स्पीड। अब ये पहला क्वेश्चन है हमारे क्लास का है, ठीक है, मतलब हमारे इस सुपर मॉक टेस्ट क्लास 13 का। यहां से आप कैलकुलेट करेगा कि आप 30 में किसने क्वेश्चन जो है कर पा रहे हो। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, कह रहा है कि ये चार चीजें दी गई हैं, कह रहा है कि इनमें से गुजरते हुए प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम किसमें होगी, सबसे कम किसमें होगी, वाटर, वैक्यूम, एयर या ग्लास, किसमें होगा भाई साहब, डेट विल बी इन ग्लास, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लास में जो है क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी जब ग्लास से जो है पास करेगी, ठीक है, जब लाइट जो है ग्लास से पास करेगी तो उसकी स्पीड सबसे मिनिमम होगी, कितनी होगी, नियर अबाउट 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड, कितना होगा, 200,000 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पर्पज ऑफ चोक इन ट्यूबलाइट इज, शानदार क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में चोक का उद्देश्य क्या होता है, इंड्यूस हाई वोल्टेज को जो है क्या करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, लो रेजिस्टेंस इंड्यूस करने के लिए, हाई रेजिस्टेंस इंड्यूस करने के लिए या लो वोल्टेज इंड्यूस करने के लिए, किस लिए होता है। देखो इंड्यूस करना मतलब होता है कम करना, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को क्या है, मेंटेन करता है। जो चोक लगता है ट्यूबलाइट, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट में एक चोक लगता है ऐसे बॉक्स की तरफ, छोटा सा होता है,
तो वो क्या करता है भाई साहब, वो क्या करता है, वो हाई वोल्टेज ना जाए उसमें, ठीक है, ट्यूबलाइट जो है फ्यूज ना हो, ये क्या करता है कम करता है, मेंटेन करता है जो है वोल्टेज को। जब वोल्टेज हाई होता है तो उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, कम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन कंक्रीट रोड, बिकॉज, बहुत ही आसान है इसका आंसर। कह रहा है कि देखना आप एक बार बर्फ पे चल के देखना, ठीक है, मान लो ये बर्फ है, बर्फ पे चल के देखना, और कंक्रीट जिस जो रोड होता है, ठीक है, गिट्टी वाली, उस पर चल पे देखना, ठीक है। तो बर्फ पे चलना जो है ज्यादा मुश्किल होगा किसके अपेक्षा, कंक्रीट वाले रोड के अपेक्षा। ऐसा क्यों भाई, क्यों बर्फ पे चलना ज्यादा मुश्किल होगा, देयर इज वेरी लिटिल फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड फीट प्रेसिंग इट, आइस इज सॉफ्ट, ये तो होगा नहीं, ठीक है, कंपेयर टू कंक्रीट, ये भी नहीं होगा, देयर इज मोर फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड फीट, ये भी ना, जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो आसानी से बर्फ पे चल पाएगा, क्या है फ्रिक्शन कम हो रहा है, बहुत ही कम जो है पैर हमारा जो फिट है, ठीक है, पैर है और बर्फ के बीच में क्या है फ्रिक्शन जो है, जो घर्षण बल होता है वो क्या है बेहद कम होता है, जिसके कारण क्या है बस बर्फ पे चलने में हमें दिक्कत होती है, ठीक है। ये तीन ऑप्शन जो है क्या है कट जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से करिएगा, गलत मत करिएगा। इफ ए साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी इट रिमेंस अनचेंज्ड, इट कह रहा है कि यदि कोई ध्वनि वायु से जल में जो है क्या है गमन करती है तो वह मात्रा जो अपरिवर्तित रह जाएगी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। अनचेंज्ड, वो जो अनचेंज जो नहीं बदलेगी, अपरिवर्तित जो रह जाएगी, ठीक है। देखो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन भाई साहब क्या नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, वो किसी भी किसी माध्यम से किसी माध्यम में चला जाए, साउंड ट्रेवल जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अनचेंज्ड रह जाएगा, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहेगा। चलो द बेसिक रीजन फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुटेबिलिटी कट डायमंड इज दैट, कह रहा है कि उपयुक्त रूप से जो कटे हुए हीरे होते हैं, सही ढंग से अगर जो हीरा कट जाए, देखना उसका जो असाधारण चमक होता है, मतलब बेहद अधिक चमक होता है उसके कारण, तो उसका मूल कारण क्या है उसके चमक का। इट हैज वेल डिफाइंड क्लीवेज प्लेन्स, नहीं ये नहीं होगा, क्लीवेज प्लेन्स की वजह से नहीं होता है, मतलब अच्छे तरीके से काटा जाता है जो त्रिकोण जो निकलते हैं उसके वजह से, क्लीवेज की वजह से नहीं। इट हैज ए वेरी हाई ट्रांसपेरेंसी, ये भी गलत है भाई साहब, ठीक है, और इट इज वेरी हार्ड, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका जो अपरवर्तांक होता है बहुत अधिक होता है, जिसके कारण क्या है अगर सही तरीके से हीरे को काटा जाए तो वो क्या है बहुत अधिक जो है चमक देगा। चलो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर जो है रिफ्रेक्शन, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है भाई साहब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं। चलो द थ्रस्ट एग्जर्टेड बाय ए बॉडी ऑन ए सरफेस, किसी पिंड द्वारा सतह पर लगाया गया बल, बहुत ही शानदार है। तो कह रहा है कि ध्यान से सुनना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके सरफेस पे लगाया गया जो थ्रस्ट होता है, फोर्स होता है, थ्रस्ट फोर्स ही तो होता है, ठीक है, तो क्या होगा द वैल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, उसकी जो है बॉडी के वैल्यूम के बराबर, उसकी डेंसिटी के बराबर, उसके वेट के बराबर या मास ऑफ द बॉडी। एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको हजार बार पढ़ा चुका हूं भाई साहब, फोर्स क्या है, फोर्स हमेशा किसके अंतर्गत काम करेगा, ग्रेविटी के अंतर्गत, है ना, फोर्स क्या है हमेशा ग्रेविटी के अंतर्गत काम करेगा, और वेट जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट पे लगता है ना कि मास पे। मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए मेटेरियल, ठीक है, याद करना, कोई भी मेटेरियल जो जिस चीज से वो बना है, टोटल वो कितना अमाउंट लगा है उस चीज का बनने में, वो उस ऑब्जेक्ट का मास होता है, ठीक है। तो मास ग्रेविटी से कभी भी, मास पे जो है ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो है क्या होता है वेट पे, ठीक है, याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा टोटल जो फोर्स होता है वो उसके वेट को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, याद रखना, द वेट ऑफ द बॉडी, किसी भी पिंड द्वारा सतह पर लगाया गया बल क्या होता है, वो उसका क्या होता है, वेट ही होता है, ठीक है, कितना वेट है उस ऑब्जेक्ट का, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे जो है कितना फोर्स लग रहा है, मतलब ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के अंतर्गत ही तो फोर्स लगेगा, जिस हिसाब से ग्रेविटी रहेगी। चलो तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, मास पे ग्रेविटी और फोर्स का कोई भी जो है क्या है, फोर्स एक तरह से ग्रेविटी के अंतर्गत ही काम करती है, तो मास पे किसी भी प्रकार का किसी ग्रेविटी का जो है वो नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए बॉटल ऑफ परफ्यूम, ध्यान से करना,
When a bottle of perfume is opened in one corner of a room, the smell spreads soon throughout the room. This is an example of. जब कमरे के एक कोने में परफ्यूम की बोतल खोली जाती है तो गंध जल्दी ही पूरे कमरे में फैल जाती है। ये एक उदाहरण है किसका, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी, डिफ्यूजन। भाई साहब ये सब, ये तीनों नहीं है। जो आपने पढ़ा होगा ना मेटेरियल अराउंड अस, क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर था, ठीक है, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस आपने पढ़ा था, उसी में से एक ये उन्हीं का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, मतलब उसी का क्या है, एक तरह से गुण होता है, ठीक है। ये किसका, ये जो डिफ्यूजन का जो गुण है, ठीक है, ये गैसेज में ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड में तो होगा नहीं, क्योंकि उसके क्या है मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं तो वो फैल नहीं पाएगा, है ना। और लिक्विड में भी थोड़े दूर दूर होते हैं तो डिफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन देखो देखो लिक्विड में भी होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। अब देखो एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जब आप किसी पानी पे इंक डाल के देखना, इंक धीरे, इंक क्या है लिक्विड फॉर्म में ही तो होता है, वो धीरे धीरे फैलता है, वो क्या है, वो डिफ्यूजन का ही एक एग्जांपल है भाई साहब, डिफ्यूजन इन लिक्विड का एग्जांपल है। इस तरह के क्वेश्चन आपके कोस्ट गार्ड में आ चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब जो डिफ्यूजन वाली बात कह रहा है, तो जो गैसेस, जैसे मान लो ये गैस का जो है कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस ऑब्जेक्ट के, वो बहुत दूर दूर है, जैसे परफ्यूम की ही बात कर रहा है, तो परफ्यूम जो आपका है वो बाहर आएगा, जब अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है, जब बाहर आता है तो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसके कारण क्या है, वो जल्दी से फैलते हैं। इसीलिए किसी भी रूम के एक कोने में अभी सेंट मारिए, वो बहुत जल्द जो है दूसरे कोने में महकने लगेगा, क्योंकि क्या है उसमें डिफ्यूजन हो रहा है, प्रसार हो रहा है उसके, ठीक है। चलो, व्हाट इज मेजर्ड विद नेप्टोमीटर, से क्या मेजर करते हैं, वैल्यूम ऑफ रेनफॉल, क्लाउड वॉल्यूम एंड स्पीड, सैलिनिटी ऑफ सी, ऑल आर ऑप्शंस आर करेक्ट। क्या मेजर करते हैं भाई साहब नेप्टोमीटर से, याद रखिएगा, बादल की मात्रा और गति को मेजर करते हैं नेप्टोमीटर से, ठीक है, याद रखना। नेप्टोमीटर से क्लाउड का वैल्यूम जो है मेजर करते हैं और उसकी स्पीड मेजर करते हैं। अब ये शानदार क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का जो है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब अगर वेलोसिटी चार डबल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, फोर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमेशा याद रखना जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के, ठीक है, याद रहेगा, वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना आपका वो होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी उसके क्या होगा, वो दुगुना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसलिए तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर या वेलोसिटी स्क्वायर के, ठीक है, याद रहेगा ये चीज, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो याद रहेगा तो आसानी से कर लोगे। कह रहा कि एक बकेट ऑफ वाटर इज हंग फ्रॉम ए स्प्रिंग, ध्यान से करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि जैसे मान लो एक ये स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, और यहां से क्या है, एक बाल्टी, ठीक है, एक बाल्टी जो है क्या है, लटकी हुई है ऐसे, एक मान लो ये एक तरह से एक बाल्टी है जिसमें ये पानी भरा हुआ है, ये लटकाया गया है, ठीक है, ये हैंग है आपका, और इस जो ये बाल्टी है, ध्यान से सुनना, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग से सस्पेंडेड है, विदाउट, अब क्या है, इन द वाटर विदाउट टचिंग द साइड ऑफ बटन ऑफ द बकेट, ठीक है, ये पीस ऑफ आयरन, यहाँ पे अब जो है क्या है, एक लोहे का टुकड़ा डाला जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पानी के जो है, ये पूरी पानी से ये बाल्टी भरी हुई है, अब ये लोहे का टुकड़ा जो है बिना किनारों को छुए हुए सीधा ले जाके बॉटम में ऐसे नीचे रख दिया जाता है पानी के, ठीक है, तो द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज, या फिर जो है डिक्रीज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, या वेरीज विद इंक्रीज ऑफ द डेप्थ ऑफ इमर्सन ऑफ द आयरन, जितना गहराई में जाएगा लोहे का टुकड़ा उतना ही क्या है वो उस हिसाब से वेरी होके बढ़ेगा, बताइए, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सही आंसर क्या होगा, देखो सही बात तो ये होगा कि जो स्प्रिंग बैलेंस जो होगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा स्प्रिंग बैलेंस की क्या है, इंक्रीज होगा, रीडिंग जो है इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्या होगा कि जो जब आप आयरन डालोगे इसमें, ठीक है, तो क्या है कि ये जो बकेट है इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, जो पानी है, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो भाई साहब पानी का लेवल, जैसे मान लो पानी का लेवल अगर यहाँ है, प्रेशर इंक्रीज होगा अगर इस पे बॉटम पे, तो क्या है पानी का लेवल भी इंक्रीज होगा, और जब लेवल इंक्रीज होगा भाई साहब तो मतलब मात्रा थोड़ी सी बढ़ रही है, तो क्या है रीडिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस पे भी क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो
समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही कहते हैं कि जो टोटल थ्रस्ट होता है, पिछले क्वेश्चन में देख लेना, जो टोटल थ्रस्ट है, थ्रस्ट मतलब क्या है, टोटल जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ रहा है। अब जब बढ़ रहा है मतलब प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो भाई साहब लेवल तो पानी का इंक्रीज होगा ही, और पानी का लेवल इंक्रीज होगा तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज होगी। ठीक है। अडवाइस जीजर मुलर काउंटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से करेगा, निम्नलिखित में से किसी माप के लिए एक उपकरण जीजर मुलर काउंटर का उपयोग किया जाता है, स्पीड ऑफ एयर, मास नंबर, रेडियो एक्टिविटी या वैलेंस। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये ध्यान से कर लेना। ठीक है, ये जो गेजर मुलर काउंटर है ना, ये किसी भी पदार्थ की रेडियो एक्टिविटी जो है मेजर करने के लिए क्या है, की जाती है। ठीक है, रेडियो धर्मिकता मेजर करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा जीजर मुलर काउंटर ये एग्जाम में भी आ चुका है, आपके कोस्ट गार्ड में ही पूछा गया है, तो याद रहना चाहिए। चलो, ये सब महापीडक 3.0 में भी ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वहां से महापीडक 3.0, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, लेके पढ़ लोगे तो रिविजन हो जाएगा। इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट हैं, रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट हैं, मैथ के भी प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, अब देखो तैयारी अगर नहीं होगी आपकी बेहतर, भाई साहब एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको भी पता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कट ऑफ हाई लगता है, तो कट ऑफ हाई लगता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जब साथ में करो, जो बुक दे रहा हूँ महापीडीएफ 3.0 लेकर के पढ़ोगे, क्लासेस देखोगे, तभी कुछ हो पाएगा। कल से सॉल्यूशन वीडियो भी आ रहे हैं मैथ का आपका, तो किताब लेकर के बैठ के सॉल्व करिए, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अपने आप को समय दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, कह रहे स्केटिंग आज आइस इज पॉसिबल, आज कह रहे कि पानी के ऊपर जो है स्केटिंग पॉसिबल क्यों है, बहुत ही आसान है। तो देखो होता क्या है ना, जो बर्फ होता है, ठीक है, इस पर जब स्केट्स रखा जाता है तो क्या होता है, ये जो लेयर होता है ये थोड़ा सा पिघल जाता है। ठीक है, और पिघलने की वजह से क्या होता है, उस पर प्रेशर थोड़ा सा जब पड़ता है तो आइस मेल्ट होता है, और इसीलिए क्या होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाती है, एक पतला जो है पानी का लेयर बन जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जब कम होती है उस पर रखने पे, पानी का एक लेयर बन जाता है, उस पर क्या है आसानी से वो क्या है, जो स्केटिंग स्केट होता है, स्केटबोर्ड जो होता है वो आसानी से उस पर सरकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, द प्रेशर ऑन द आइस ड्यू टू स्केट मेल्ट्स, द आइस को मेल्ट करता है जो प्रेशर लगता है आइस के ऊपर। ठीक है, स्केट्स का आदमी उस पर खड़ा भी होता है, जो प्रेशर लगता है तो वो मेल्ट कर देता है, एक पानी का लेयर बन जाता है। ठीक है, और जब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो वो पानी का एक लेयर बन जाता है, आसानी से उस पे जो क्या है स्केटबोर्ड ऐसे सरकता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज ब्राइटली पॉलिश्ड मेनली, कि बिजली के लोहे का जो आधार है वो मुख्य रूप से चमकदार या पॉलिश किया जाता है, क्यों भाई, बिजली आपने वो आयरन प्रेस यूज किया ही होगा जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, तो मेक इट स्मूथ और फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए, या रस्ट प्रूफ बनाने के लिए, या हीट लॉस, रेडिएशन से हीट लॉस को बचाने के लिए, या इसको मोर ड्यूरेबल बनाने के लिए, ऐसा क्यों किया जाता है। देखो अगर आप ये सोचो कि ये और स्मूथ हो जाए फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि हीट लॉस कम होगा रेडिएशन के वजह से, जो है हीट लॉस को और कम करने की वजह से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, हीट लॉस को रेडिएशन के थ्रू जो है कम करने के लिए, चलो, ताकि रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस ना हो। चलो, द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट डैश इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ओ हो, कह रहा है कि जो ये दिया गया प्रतीक है, ठीक है, ध्यान से करिएगा, ये क्या चीज है, ये इमेज आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है ये इमेज, किस चीज को दर्शाता है, ये क्या है, रियोस्टेट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एमीटर या रजिस्टर है, क्या है भाई साहब, ये इसको बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, अब रियोस्टेट का काम क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्या है, किसी भी ये उसमें क्या बोलते हैं सर्किट में, ठीक है, किसी भी सर्किट में क्या है, ये रेजिस्टेंस को बैलेंस करता है, प्रतिरोध को क्या है, क्या है, बैलेंस करता है। ठीक है, याद रखना, इट्स बैलेंस रेजिस्टेंस इन एनी सर्किट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रियोस्टेट का यही काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहां से जीके शुरू हो जाता है, ध्यान से करिएगा, साइंस क्लियर हो गया, साइंस में आपने कितना किया, 15 में से कितना सही किया है, अब 15 इसमें देख लेते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल, किसने किया था भाई साहब, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने जो है भारत की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की, टू होम डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर, अब समझ लो, जैसे मान लो कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना अगर त्यागपत्र देना चाहता है, लोकसभा का कोई अध्यक्ष है अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसे संबोधित करेगा, किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसके पास जाएगा भाई साहब, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास जाएगा, किसके पास,
उपाध्यक्ष के पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द कलिंग वार टेक प्लेस। याद करो अशोक का कलिंग युद्ध, जिससे उनका हृदय द्रवित हो गया था, उसके बाद इन्होंने जो है युद्ध वगैरह छोड़ दिया, ठीक है, बौद्ध भिक्षु बन गए। तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ, 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी या 240 बीसी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ये याद रखना जो कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है, ये 261 बीसी में हुआ था, ठीक है, याद रखना 261 बीसी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओहो शानदार क्वेश्चन आ गया, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, एग्जाम में आ चुका है, सबको पता होना चाहिए, मिनिमम 30 साल के तो आप होने ही चाहिए अगर आप राज्यसभा के जो है क्या है मेंबर बनना चाहते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त, किसने बनवाया था, डेट वॉज बिल्ड बाई शेरशाह सूरी। याद रखिएगा इसके बारे में कुछ फैक्ट याद कर लीजिए, 2400 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, ठीक है, कितनी 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है ग्रैंड ट्रंक रोड की, ठीक है, और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट रोड अगर आपसे पूछता है, ठीक है, याद रखना, और साथ ही में एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो है क्या है रोड है, शायद लॉन्गेस्ट तो नहीं रहा ये, शायद कोई दूसरा बना हुआ है उसकी जगह पे, लॉन्गेस्ट मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, याद रखना ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट आपका क्या है रोड है, जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड है, यह अभी भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, कह रहे कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये, याद रखिएगा श्री रामकृष्ण, किसको, श्री रामकृष्ण को जो है नए भारत का पैगंबर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना श्री रामकृष्ण को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। कई लोगों ने देखो ये क्वेश्चन जब पूछा हुआ था आपके एग्जाम में तो कई लोगों ने गलती किया था, राजा राम मोहन राय करके आए थे, तो गलती मत करना भाई साहब, मार खा जाओगे, ठीक है, एग्जाम में क्या होगा नंबर आपका कट जाएगा। चलो, विच रिलीजियस बुक डिड गांधी जी कॉल हिज मदर, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, रामायण, न्यू टेस्टामेंट, भागवत गीता या कुरान शरीफ। देखो भागवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये एग्जाम में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड गांधी जी एस्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन गुजरात। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी, 15, 17, 18 या 29, कब हुआ था भाई साहब, याद रखिएगा साबरमती आश्रम जो गुजरात में है इसकी स्थापना हुई थी 1915 में, कब हुआ था 1915 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउल ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन द विलेजेस, कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। एक बात बताओ, महात्मा गांधी के आगे कोई बोल सकता है क्या, महात्मा गांधी ही है, ठीक है, याद रखना द साउल ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन द विलेजेस, ये किसका जो है कथन था, महात्मा गांधी का, ठीक है, याद रखना, और ये एग्जाम में भी आ चुका है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के आगे कोई बोल सकता है क्या। आगे, वेर मज द पूना पैक्ट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। भाई साहब इसकी मैं पूरी कहानी बता चुका हूँ, अब कहानी बताने लगूंगा क्लास काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। पहले जो पुराने कैंडिडेट हैं जो क्लास से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये कब हुआ था, किस महीने में हुआ था, ठीक है, और साथ ही में क्यों हुआ था, ये पूना पैक्ट जो है क्या था, तो इतना डिटेल में नहीं खींचूंगा, लेकिन याद रखिएगा पूना संधि कब हुआ था, 1932, ठीक है, कब ये साइन किया गया, 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में ये जो है पूना पैक्ट साइन किया गया था, ठीक है। बस ये समझ लो कि ये आरक्षण, ये जैसे जो है अलग करने की बात हुई थी, ठीक है, कि समाज से जो है एसटीएससी वालों को अलग करने की, कि एक नया अलग चुनाव जो है वो दिया जाए, नया चुनाव उनका लीडर अलग हो, नया चुनाव प्रणाली उनके लिए बनाया जाए, समाज से उनको अलग कर दिया जाए, इन्हीं सबको लेकर के जो है क्या है पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी वो मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके लिए वो किया था, लेकिन गांधी जी क्या है अनशन पे बैठ गए जेल में, पूना जेल में, ठीक है, काफी दिन बंद बैठे रहे, तो फिर इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, महात्मा गांधी की, तो इन्होंने क्या किया, बाबा साहेब अम्बेडकर से जो है क्या किया था, भीख मांगी थी एक तरह से, कि मतलब जो भी समझौता है आपस में कर लीजिए उस चीज को लेकर के। तो गांधी जी, ये अम्बेडकर ने कहा था कि मैं पिटिशन वापस कर लूंगा, लेकिन मेरा एक जो है क्या है, मेरा एक ये रखा जाए, बात उन्होंने रखी थी कि एसटीएससी वालों को जो है रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है, समाज में, तभी उनको जो है
सही नजर से देखा जाए, उस समय की ये बातें थी, ठीक है, तभी सही नजर से देखा जाएगा ताकि उनको रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ लिख सकें, जो है आगे बढ़ सकें। तो 1932 पे यही चीज जो है पूना पैक्ट था आपका 1932। एक बार मैंने शॉर्ट में बता दिया है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाय हुम वाज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डेमार्केटेड, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? मैकमोहन लाइन, याद रखिएगा, इंडिया चाइना के बीच, और जो रेडक्लिफ लाइन है, ठीक है, क्या नाम है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो आपकी बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, जो सीमांकन है उसको क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। और इसको किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था, इसका सीमांकन किसने किया था, भाई साहब, सर साइरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? सर साइरिल रेडक्लिफ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिद्धा इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? एग्जाम में पूछा गया, काफी आसान है, दैट इज ऑफ पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है गराड़ी, ध्यान से देखिएगा, गराड़ी इज ए फोक डांस ऑफ, गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम, पुडुचेरी, गुजरात या राजस्थान? कहाँ का है भाई साहब? डेट इज ऑफ पुडुचेरी, ठीक है, याद रखिए। गराड़ी जो है कहाँ का फोक डांस है, कहाँ का लोक नृत्य है? पुडुचेरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर इज जवाहर ट्वेनल लोकेटेड, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या जम्मू कश्मीर? कहाँ पे है? डेट इज इन जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, शायद इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल, फ्यूडोरजी, अनसंग सू की, योको ओनो, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछ रहा है, कौन थी भाई साहब? डेट इज बछेंद्री पाल, कौन थी? बछेंद्री पाल, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दैट इज हमारा क्लास का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इसके बारे में, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जो पुराने कैंडिडेट हैं सबको पता है, ठीक है, और ये एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन जो है कोस्ट गार्ड में पूछा जाता है, इस बार भी आपको किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, याद रखिए, याद रखिएगा, ये देखो जिस राज्य की है ये उस राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी ये क्या है, लेक है, झील है आपकी, पेंगोंग झील लेक, पुलिकत लेक, कोलेरू लेक या बेम्बनाड लेक, ठीक है। एक चीज और आपको कमेंट करना है इसके साथ में, ये किस राज्य में है ये भी आपको बताना है, ठीक है, ये कौन सा लेक है और किस राज्य में, दोनों चीजें आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, सभी लोग, जितने भी लोग ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो, सबको कमेंट करके बताना है, और साथ ही में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 30 में, ठीक है, 30 में, 31वां मत देखिएगा, सिर्फ 30 में आपने कितने सही किए ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, 30 में कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। फाइनली क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लासेज आ रही है, और कल से तो फाइनली मैथ का भी जो है प्रैक्टिस क्लासेज आने वाली है, सोल्यूशन वीडियो आएगा, और भाई साहब महापीडीएफ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, नहीं लिए हो ना महापीडीएफ 3.0, एग्जाम के बाद इसकी महत्वता आपको पता चलेगी, कि अगर ये एग्जाम से पहले पढ़ लिए होते तो आपका जो है मार्क्स कुछ और ही होता, अगर आप 30 लाओगे बिना पढ़े हुए तो इसको पढ़ के आप 50 प्लस लाओगे, ठीक है, ऐसी बुक है आपकी ये, तो इसको लेकर के एक बार जरूर पढ़िए, सेक्शन 1 की वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये, महापीडीएफ 3.0 पीडीएफ बुक है, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9795111812, और कल से इसके मैथ का सोल्यूशन वीडियो भी आने वाला है, सुबह 9 बजे, टाइम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, और हाँ क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।